नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक आपका अपना यूट्यूब चैनल में आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। आज हम बात करेंगे, आपको बेसिक जानकारी कुछ देंगे ताकि आप अपनी कुंडली के ग्रहों के बारे में जान सकें। आपका कौन सा ग्रह उच्च राशि में है, नीच राशि में है, कौन सा ग्रह वर्गोत्तम है, कौन सा ग्रह मित्र के घर में है, कौन सा ग्रह शत्रु के घर में है और कौन सा ग्रह बाल वृद्ध मृत अवस्था में है, युवा अवस्था में है और कौन सा ग्रह आपका प्रदीप्त अवस्था में है, इन चीज़ों के बारे में आज आपको जानकारी मिलेगी। आप अपनी जन्म कुंडली सामने रख लीजिए और कार्यक्रम को देखते हुए अपनी जन्म कुंडली पर चीज़ों को नोट कर लीजिए, अपने ग्रहों को, कि आपके ग्रह कैसे हैं और उनका रिजल्ट क्या होता है, फल क्या होता है। तो चलेंगे आपको पेपर की तरफ ले चल के और बाकायदा लिख करके आपको चीज़ों को समझाएंगे। तो चलिए उच्च के बारे में आपको बताएंगे, नीच के बारे में, एक एक ग्रहों को लेंगे। पहले हम सूर्य के बारे में जानेंगे, सूर्य महाराज के बारे में। आपकी कुंडली में अगर सूर्य एक नंबर की गिनती पर लिखे हुए हैं तो उच्च के हैं, और अगर पाँच नंबर की गिनती पर हैं तो स्वगृही हैं, अपने घर के हैं। अगर सूर्य आपकी कुंडली में सात नंबर की गिनती पर लिखे हुए हैं तो नीच के हैं। एक पर उच्च, पांच पर स्वगृही, सात नंबर की गिनती पर कहीं भी कुंडली में है सूर्य महाराज तो वह नीच के हो गए हैं। अगर सूर्य आप कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में बाल और वृद्ध का नियम जान लीजिए, कोई भी ग्रह अगर एक तीन पाँच सात नौ ग्यारह नंबर की कुंडली पर कहीं लिखा हुआ है, ग्यारह नंबर की कुंडली यहाँ इन गिनतियों में विषम राशि में कहीं भी आपकी कुंडली में कोई ग्रह लिखा हुआ है और वह जीरो से छः अंश का है, विषम राशि में जो है नियम है, विषम राशि में अगर ग्रह जीरो से छः अंश के बीच में है, जीरो से छः अंश के बीच विषम राशि में है तो वह ग्रह बाल अवस्था में है, और अगर कोई ग्रह सम राशियों पर है, दो नंबर, चार नंबर, छः, आठ, दस, बारह नंबर की गिनती पर कोई ग्रह है, सम राशि में है और जीरो से छः डिग्री तक का है तो वह जो है मृत अवस्था या वृद्ध अवस्था बोल सकते हैं। यानी विषम राशियों में शुरू में बाल होता है और सम राशियों में अंत में बाल होता है। अगर कोई ग्रह एक तीन पाँच सात नौ ग्यारह नंबर की गिनती में कहीं भी कुंडली में है, विषम राशि में है, विषम राशि में है और अंत के जो है 25 से 30 डिग्री के बीच में है, 25 से 30 अंश का है तो वह ग्रह जो है मृत अवस्था में या वृद्धावस्था में है, वृद्धावस्था में वह ग्रह होगा। अगर कोई ग्रह सम राशि में है, दो चार छः आठ दस बारह नंबर की गिनती में लिखा हुआ है और जीरो से छः अंश का है तब वह जो है वृद्धावस्था में है, उसके फल में न्यूनता आ जाएगी। अब मृत के बारे में बात कर लेते हैं, मृत ग्रहों के रिजल्ट के बारे में। अगर ग्रह को कहते हैं कि शुरू की डिग्रियां हो, जीरो का हो, एक अंश का हो, 29 का हो या 30 का हो तो वह मृत अवस्था में होता है। वास्तव में ग्रह कभी मरते नहीं हैं। अगर ग्रह 30 अंश तक जाएगा नहीं, जीरो से यात्रा शुरू करता है, 30 तक जाएगा, जब 30 में जाता है तभी तो फिर से एक नंबर से जाके अगली राशि में शुरू करेगा, तो ग्रह की मृत्यु नहीं होती है, ग्रह मरते नहीं हैं। बस जीरो अंश, एक अंश, दो अंश, 28, 29, 30 अंशों में ग्रह का जो रिजल्ट है वह अप्रत्याशित हो जाता है। अच्छा है तो भी बुरा प्रभाव देगा, बुरा है तो बुरा प्रभाव देगा ही। अगर डिग्रियां कम हो जाती हैं तो स्ट्रेंथ कम हो जाती हैं, मानसिक पीड़ाएं देने लगते हैं, लेकिन धन के मामलों में हानि नहीं करते हैं। ग्रह जीरो का होगा तो भी रिजल्ट देगा, जीरो का है, 30 का है, 29 का है तो 30 के आसपास पहुंच जाता है, जब जीरो का है तो वह संधि में पड़ जाता है, यानी अगले भाव और पिछले भाव दोनों का परिणाम उसमें आने लगता है। सूर्य के मित्र में चंद्रमा आ जाएंगे, चंद्र सूर्य का मित्र है, चंद्र की गिनती कौन सी है, चार नंबर। अगर सूर्य चार नंबर की गिनती में हो तो मित्र के घर में है। सूर्य का मित्र मंगल है, अगर मंगल की गिनती कौन सी है, एक आठ,
सूर्य अगर एक नंबर 8 नंबर में है तो मित्र के घर में है। सूर्य का मित्र गुरु है, गुरु की गिनती 9 और 12 है, अर्थात सूर्य 9 और 12 नंबर की गिनती में है तो मित्र के घर में है। सूर्य का जो शत्रु होता है वह शनि है और शुक्र है। तो अगर आपका सूर्य 10 नंबर की गिनती में, 11 नंबर की गिनती में है, 2 नंबर की गिनती और 7 नंबर की गिनती पर है तो वह शत्रु के घर में है। तो ये हो गया। आपको अब बताएंगे कि चंद्रमा का प्रभाव क्या है। चंद्रमा का शत्रु कोई नहीं है। चंद्रमा क्या है? हमारा मन है। मन जैसी संगति हम करते हैं वैसा मन बन जाता है। चंद्रमा जिस ग्रह के साथ होगा वैसा ही तत्व ग्रहण कर लेगा। अब चंद्रमा मंगल के साथ हो तो साहस बढ़ाएगा, मन में उमंग लाएगा। चंद्रमा गुरु के साथ हो तो ज्ञानी बनाएगा, धार्मिक बनाएगा। बुध के साथ हो तो विवेकी बनाएगा। शुक्र के साथ हो तो रसिक, सौंदर्य प्रिय, भौतिकतावादी बनाएगा। शनि के साथ हो तो आलसी बनाएगा, मानसिक कष्ट देगा। जिस ग्रह का जैसा स्वभाव होता है, जिसके साथ चंद्रमा जाएगा उसी के स्वभाव को आत्मसात कर लेगा। सूर्य के साथ अगर चला गया चंद्रमा तो अस्त हो जाता है पूर्ण रूप से, और तब मानसिक परेशानियां देता है, लेकिन धन के लिए अच्छा करता है, मित्र है। तो चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में 4 नंबर की गिनती पर है तो स्वगृही है, 2 नंबर की गिनती पर है तो उच्च का है। अन्य गिनतियों पर चंद्रमा सम फल देता है, इसका कोई शत्रु नहीं बनता है। सम फल चंद्रमा में आ जाता है, सभी इसके लिए सम होते हैं। जिसके साथ होगा वैसा रिजल्ट, मन वैसा बन जाएगा। जैसी करोगे संगत वैसी चढ़ेगी रंगत, वही होता है चंद्रमा, हमारा मन है। मंगल ग्रह की बात करेंगे। मंगल जो है 1 नंबर की गिनती पर हो तो अपने घर का है, 8 नंबर की गिनती पर अपने घर का है, 10 नंबर की गिनती पर उच्च का है, और मंगल नीच का होता है 4 नंबर की गिनती पर। अगर आपकी कुंडली में कहीं 4 नंबर की गिनती पर चंद्रमा है तो वह नीच का माना जाएगा। अब मंगल के मित्र कौन है? मंगल के मित्र सूर्य है, मंगल का मित्र चंद्र है, मंगल का मित्र गुरु है। अगर मंगल सूर्य की गिनती 5 नंबर में हो, चंद्रमा की गिनती 4 पर हो, 9 पर हो या 12 पर हो तो मंगल मित्र के घर में है। हालांकि 4 पर नीच का प्रभाव देता है, भीरू बनाता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर धैर्य की कमी हो जाती है। अन्य राशियों में मंगल होगा तो शत्रु के घर में हो जाता है। हालांकि शुक्र के घर में मंगल जो है, अर्थात 2 नंबर और 7 नंबर की गिनती पर संप्रभाव देता है। कहा जाता है, आप भी जानते हैं, कि अगर मंगल और शनि एक साथ हों तो रिजल्ट बहुत खराब देते हैं, दुर्घटना, चोट चपेट, रुकावट, बाधा। कारण क्या है कि दोनों दो विपरीत तत्व हो जाते हैं। मंगल जल्दबाजी, उतावलेपन, वीरता का कारक है, और शनि जो है ठंडा ग्रह है, धीमा चलने वाला है, आलस्य का है। तो जब भी दो विपरीत तत्व के ग्रह साथ बैठते हैं तो फल बिगड़ने लगता है। ऐसे कहीं गुरु और शुक्र एक साथ हों तो भी फल बिगड़ जाएगा। गुरु ज्ञान है लेकिन शुक्र जो है भौतिकता प्रिय है। गुरु देवों का गुरु है, ये दैत्यों के गुरु हैं। तो स्वभाव परिवर्तन, दो ऐसे ग्रह जिनके तत्व तो एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, उनका साथ होना अच्छा नहीं है। अब यहाँ पर आप इन जनरल सेंस समझ लीजिए, दो वर्ग बनेगा। एक वर्ग बन जाएगा सूर्य, चंद्र, गुरु, मंगल का। ये ग्रह जो है आपस में अपने गुण धर्मों में समानता रखते हैं, इसलिए इन ग्रहों का योग होना अच्छा माना जाएगा। और शनि ग्रह जो है, बुध जो है और शुक्र जो है, इनके गुण धर्म में समानता पाई जाती है। इसी में राहु को भी शामिल कर लेंगे। केतु तटस्थ रहता है तो इनके गुण धर्म में समानता है। अगर इस ग्रुप का कोई ग्रह इस ग्रुप के साथ बैठता है तो थोड़ा तालमेल में कमी आ जाती है, लेकिन अगर बुध, शुक्र, शनि, राहु इनमें से कोई ग्रह बैठता है तो अच्छा रिजल्ट देता है परस्पर एक दूसरे के साथ, और इनमें से कोई ग्रह एक दूसरे के साथ बैठे तो अच्छा रिजल्ट देता है। बुध ग्रह की बात कर लेंगे। बुध महाराज की गिनती जो है 3 नंबर और 6 नंबर है। अगर 3-6 में है तो स्वगृही है, उच्च के हैं। 12 नंबर की गिनती पर आपका बुध लिखा है तो नीच अवस्था में है। बुध के जो मित्र बनते हैं, परम मित्र शुक्र हैं, बुध के मित्र शनि हैं, सूर्य के साथ भी मित्रता का भाव होता है।
तो अगर शुक्र की गिनती कौन सी हो गई, शुक्र की गिनती 2 नंबर है, 7 नंबर है, शनि का 10 है, 11 है और सूर्य का 5 है। 2, 7, 10, 11, 5 नंबर की गिनती पर अगर बुध बैठा हो तो वह मित्र के घर का हो जाएगा, और अगर चंद्रमा के घर में 4 नंबर की गिनती पर बुध बैठता है तो शत्रु के घर का हो जाता है। बुध के बाद बात करेंगे बृहस्पति ग्रह की। गुरु महाराज, गुरु जो है 9 नंबर और 12 नंबर इनकी अपनी गिनती है। 9 नंबर और 12 नंबर की गिनती पर कहीं बैठे हैं तो स्वागृही हैं, अच्छा रिजल्ट देंगे। 4 नंबर की गिनती पर हैं तो उच्च का फल देंगे, अच्छे हैं। गुरु अगर सूर्य के घर में अर्थात 5 नंबर की गिनती पर, सूर्य अगर मंगल के घर में 1 नंबर और 8 नंबर की गिनती पर हों तो मित्र के घर में हैं। गुरु अगर चंद्रमा के घर 4 नंबर की गिनती पर हैं तो अच्छे हैं। अगर गुरु शुक्र के घर में बैठे हों, शुक्र का घर कौन सा है, 2 नंबर की गिनती और 7 नंबर की गिनती बृहस्पति के शत्रु का घर हो जाता है, तो बृहस्पति यहाँ पर अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं और बुध के घर में भी अच्छा प्रभाव नहीं दे पाते हैं अर्थात 3 नंबर की गिनती पर। शुक्र महाराज की बात करेंगे। शुक्र अगर आपकी कुंडली में 2 नंबर 7 नंबर की गिनती पर हैं, अपने घर के हैं, अच्छा प्रभाव रखेंगे। 12 नंबर की गिनती पर हैं तो ये उच्च के हो जाएंगे, अच्छा प्रभाव देंगे। शुक्र अगर 6 नंबर की गिनती पर लिखे हैं तो नीच का प्रभाव देंगे, अच्छे नहीं हैं। शुक्र अगर चंद्रमा के घर में हो अर्थात 4 नंबर की गिनती पर, शुक्र अगर 5 नंबर की गिनती पर हो सूर्य के घर में, शुक्र अगर बृहस्पति के घर की 9 नंबर की गिनती पर हो तो ये जो है शत्रु के घर में हो जाते हैं, अच्छा प्रभाव नहीं दे पाते हैं। शनि की बात करेंगे। शनि अपने राशि में हो अर्थात 10 नंबर 11 नंबर की गिनती पर स्वराशि हो जाएगी, स्वाग्रही अच्छा फल देंगे। शनि 7 नंबर की गिनती पर हो तो उच्च के हो जाएंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे। जिसकी लग्न कुंडली में 7 नंबर की गिनती पर हो शनि, या नवमांस में 7 नंबर की गिनती पर हो, ऐसा व्यक्ति IIT जैसी बड़ी इंजीनियरिंग परीक्षा या वकालत और जज की परीक्षाएँ पास करने में सक्षम होता है। तो 7 नंबर की गिनती पर उच्च के हुए। शनि के लिए जो शत्रु का घर बनेगा वह 5 नंबर की गिनती सूर्य के घर में, शत्रु जैसा व्यवहार चंद्रमा के घर 4 नंबर की गिनती पर जो है शत्रु के घर में हो गए, और मंगल के घर में 1, 8 नंबर की गिनती पर परम शत्रु के घर में है, और 1 नंबर की गिनती पर शनि महाराज नीच के भी होते हैं। राहु केतु के बारे में, राहु केतु जिस गिनती में बैठे हैं जिसके घर में उसके स्वामी के बलाबल के अनुसार ही रिजल्ट देंगे। तो उच्च नीच आपको समझ में आ गया, मित्र के घर में, शत्रु के घर में। अस्त के बारे में जान लेते हैं। अगर कुंडली में कोई भी ग्रह सूर्य के साथ में हो, सूर्य के साथ कोई ग्रह कुंडली में बैठा है, और सूर्य मान लीजिए सूर्य जो है कुंडली में 10 अंश का है, और सूर्य के साथ शुक्र है जो कि 22 अंश का है, शुक्र 22 अंश का है तो अस्त नहीं है। जो भी ग्रह सूर्य के साथ बैठेगा और सूर्य उस ग्रह के बीच में 10 डिग्री का अंतर आ जाए, अंतर 10 डिग्री का होगा तो वह ग्रह अस्त नहीं होगा। अस्त ग्रह भी फल देता है। अस्त ग्रह क्या करता है, जितने अधिक सूर्य के निकट होगा अपना जो रोशनी है, अपनी जो प्रदीप्ति है वह सूर्य में मिला देता है, अर्थात अपना खो करके सूर्य जैसा हो जाता है। तो अगर 10 अंश की दूरी है तो अस्त नहीं है, 10 अंश से कम की दूरी है सूर्य और दूसरे ग्रह में तो वह ग्रह अस्त है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ जानना है, सूर्य के साथ शनि महाराज कभी अस्त नहीं होते हैं। शनि को अस्त का दोष कभी लगता ही नहीं है। सूर्य से सौरमंडल में ये काफ़ी दूर ग्रह हैं, और दूसरा ये सूर्य के पुत्र हैं, तो पिता कभी पुत्र को अस्त नहीं करता है, तो शनि को अस्त का दोष नहीं लगता है। और दूसरी चीज़, शनि अगर बाल और वृद्ध अवस्था में हो तो भी रिजल्ट देने में पूर्ण सक्षम होता है, क्योंकि यह जो है दीर्घकालिक ग्रह है। सूर्य चंद्रमा मंगल अगर बाल वृद्ध हैं तो इनकी अवस्थाओं में जल्दी 5-6 दिन में परिवर्तन आता है, लेकिन सूर्य 1-1 डिग्री को काफ़ी समय लेता है पार करने में, महीने भर से अधिक का समय, करीब करीब महीने भर का समय ले लेता है। तो
तो इसलिए शनि की वृद्धा और बाल अवस्था भी लाभकारी होती है। मृत अवस्था का सिद्धांत मैंने बता दिया, मृत अवस्था में स्थित ग्रह अगर अच्छा है तो करोड़पति नहीं तो लखपति जरूर बनाएगा। ये है कि फल में कमी है तो फल कम देगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिजल्ट देगा ही नहीं। प्रदीप्त ग्रह के बारे में बात कर लेते हैं। प्रदीप्त ग्रह किसे कहते हैं? अगर कोई ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर हो, मान लीजिए सूर्य यहाँ दूसरे भाव में है और कोई ग्रह सूर्य से छठवें भाव में, सातवें भाव में और आठवें भाव में होगा तो वह प्रदीप्त होगा, सूर्य ही चमक देता है। अब सूर्य से जो ग्रह जितनी दूर होगा अर्थात सूर्य के सामने पड़ेगा, जब ग्रह सूर्य के सामने पड़ेगा तो सूर्य की सीधी रोशनी उस पर जाएगी और वह चमकीला हो जाएगा। तो सूर्य के पास में होने से ग्रह प्रदीप्त नहीं होते हैं। सूर्य जहाँ पर है, सूर्य के आसपास ना हो, दूर हो, तो वह प्रदीप्त होता है। ऐसा ग्रह प्रसन्नता और धन प्रदान करता है। वर्गोत्तम ग्रह किसको कहते हैं जान लेते हैं। लग्न कुंडली में अगर मान लीजिए गुरु आपका लग्न कुंडली में तीन नंबर की गिनती पर है और नवमांश में भी तीन नंबर की गिनती पर है तो वर्गोत्तम है। वर्गोत्तम ग्रह बड़ा शुभ फल देते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं। जो ग्रह लग्न कुंडली में जिस गिनती पर लिखा है अगर नवमांश कुंडली में भी उसी गिनती पर अर्थात उसी राशि पर हो तो वह वर्गोत्तम हो जाता है। वर्गोत्तम का प्रभाव बड़ा अच्छा होता है, शुभ होता है। तो आप थोड़ा कार्यक्रम को देख लीजिए ध्यान से और अपनी कुंडली में कौन से ग्रह की क्या स्थिति है नोट कर लीजिए। अगर आपका योग कारक ग्रह जो लगन का स्वामी है, पंचम का स्वामी है और जो ग्रह नवम का स्वामी है, अगर वह बाल हो, वृद्ध हो, अस्त हो तो उसका स्टोन पहन लेना चाहिए और नीच का ग्रह है तो उसका दान करना चाहिए, उसकी वस्तुओं का दान करना चाहिए। तो उम्मीद है कार्यक्रम आपको पसंद आ गया होगा। कार्यक्रम को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हित मित्रों को भी यह कार्यक्रम बताइए, लोग जुड़ें। आज के लिए इतना ही। जय श्री।